हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी का कहता है कि अगर कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई पर्सन इंक्लूड करता है फादर, हस्बैंड और इवन मैरिड डॉटर। तो अगर कोई पर्सन है जिसके पास सफिशिएंट मींस है, सफिशिएंट मींस मतलब कि सफिशिएंट रिसोर्सेस है, जैसे कि भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो हम अपना काम करके अपने आप को फीड कर सकते हैं, और जब उसके पास सफिशिएंट मींस है तब वो निग्लेक्ट कर देता है या रिफ्यूज कर देता है। निग्लेक्ट या रिफ्यूज यहाँ पर सिंपल वो ही नहीं है कि उससे वो चीज हुई नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा होता है निग्लेक्ट या रिफ्यूज। किसको निग्लेक्ट किया रिफ्यूज कर देता है? फर्स्ट इज वाइफ। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से निग्लेक्ट और रिफ्यूज कर देता है जब उसकी वाइफ अपने आप को खुद मेंटेन नहीं कर पा रही, तो इस केस में जो वाइफ है उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि जो वाइफ है वो लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास सफिशिएंट मींस है, वो निग्लेक्ट या रिफ्यूज कर देता है मेंटेनेंस देने के लिए अपनी वाइफ को, तो वो वाइफ उसके उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सफिशिएंट मींस का। सफिशिएंट मींस का आखिर मतलब है क्या, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट मींस का मतलब है कि ये नहीं कि उसके पास सपोज कीजिए जॉब नहीं है, इसका मतलब है कि वो इतना कैपेबल है कि वो जॉब कर सकता है। अगर वो इतना कैपेबल है कि वो जॉब कर सकता है, उसके पास कोई फिजिकल या लीगल डिसेबिलिटी नहीं है, देन उसके पास सफिशिएंट मींस है। अगर सपोज कोई हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, तो हम इस बेसिस पर कि वो अनएम्प्लॉयड है, इस बेसिस पर उसकी वाइफ की मेंटेनेंस की क्लेम, जो कि वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है, तो हम उसे खारिज नहीं कर सकते। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हली हुसैन वर्सेस बेबी फरीदा खातून। इस केस में भी ये हेल्ड किया गया था कि सफिशिएंट मींस का मतलब है कि हस्बैंड एबल बॉडीड होना चाहिए, उसके पास काम करने के लिए फिजिकल या मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए। तो ये हेल्ड किया गया था अली हुसैन वर्सेस बेबी फरीदा खातून के केस। तो नेक्स्ट इसका प्रोविजन कहता है, पहले तो हमने कर लिया कि हस्बैंड को वाइफ को देनी पड़ेगी। सेकंड है कि अपने माइनर चिल्ड्रन को, अभी चिल्ड्रन यहां पर सिर्फ माइनर चिल्ड्रन ही आएंगे, सपोज कीजिए कि एक मेजर है और वो अपने आप को हैंडल करने का कैपेबल नहीं है क्योंकि वो किसी फिजिकल या किसी मेंटल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, तो इस केस में भी वो उसका अधिकार है कि वो अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सके अपने पेरेंट्स। और यहां पर जो चिल्ड्रन है वो लेजिटिमेट भी है और इलेजिटिमेट भी है, और माइनर जैसे कि हम जानते हैं वो चाइल्ड होता है जो कि 18 साल से कम होता है। अभी इसके साथ ही थर्ड इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो ये कहती है कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास सफिशिएंट मींस है और उसके फादर और मदर ओल्ड है, तो वो अपने फादर और मदर को भी मेंटेन करना चाहिए उसे, अदरवाइज उसके फादर और मदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अभी इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तब निग्लेक्ट या रिफ्यूज सिंपल ये भी हो सकता है कि हमसे हुआ नहीं, पर अगर हम जर्नली बात करें तो निग्लेक्ट और रिफ्यूज का मतलब यही नहीं है कि हाँ फेल्यूर हो गया, हमसे हुआ नहीं काम, पर इसका मतलब ये है कि हमने एक तो है कि फेलियर होगा, काम हमसे हुआ नहीं, हम उतने पैसे नहीं कमा पाए, पर उसके बाद भी हम उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। सपोज कि जब पैसे कमा लिए फिर भी उसके बाद निग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं दे रहे अपनी वाइफ को, तो वो उसमें काउंट होगा निग्लेक्ट में। पर चिल्ड्रन के केस में इवन हमने जब कोशिश भी की उतने पैसे कमाने की फिर भी उतना नहीं हुआ, तो उसे हम फिर भी फेलियर मानेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इन केस जब कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं कि आपको स्टेट से मेंटेनेंस देनी है, तो उन्हें देनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं देते तो उन्हें आइदर एक महीने की जेल हो सकती है या फिर जेल तब तक हो सकती है जब तक वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे। तो ये था सेक्शन 125।
आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दे दो। ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।